चीन का फिंगर फोर से पीछे हटने से इंकार। भारतीय सेना अलर्ट, बढ़ाई तोपों की तैनाती। भारत ने एलएसी के पास टैंकों की तैनाती बढ़ाई। लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन की हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर फोर के पीछे हटने को तैयार नहीं है। चुशूल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। यह बातचीत 14 घंटे से ज्यादा चली थी। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों के हटाने पर सहमति बनी थी। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हटे। भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में 60,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत ने भीष्म टैंक, अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट शिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती भी कर दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री LEC के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन को बहुत स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।